फांसी की सजा उनके लिए बहुत छोटी होगी, वो एक मिनट की होगी, उनको फांसी के लिए जितना उन्होंने अत्याचार करा एक्चुअली उनसे डबल सजा होनी चाहिए। बलात्कार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। जुआ उन्नाव मध्य प्रदेश में हुई बलात्कार की घटनाओं ने देश को सोचने पर विवश कर दिया है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे एस नेओल की अगुवाई में एक कैंडल मार्च निकाला गया। गैर राजनीतिक इस मार्च में जे एस नेओल के साथ स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में इसमें भाग लिया। कड़ी सजा की मांग करते हुए जे एस नेओल ने रेप की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देश के निवासियों की जो भी छोटे बच्चों से बलात्कार करे उसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, भले उसमें अपने ही लोग क्यों ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे मोदी जी ने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें करके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश के अंदर कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ रोज़ खबरें अखबार में टीवी में देखने को मिल रही हैं। हम चाहते हैं इसके ऊपर सरकार चिंतित हो, सरकार की जो नींद आई हुई है उसको खोलने के लिए हमने ये छोटा सा प्रोटेस्ट रखा था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आवाज़ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश में जाए, इसको मोदी जी तक भी जाए और देश के जो कानून मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वहाँ तक ये आवाज़ जाए। जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए, चाहे वो उसके सपोर्टर हों, चाहे उसके सपोर्ट करने वाले लोग हों। जो दोषी हैं उनको इमीडिएट, हमारी प्रार्थना है कि उनको सजा होनी चाहिए और वो फांसी की सजा होनी चाहिए। रेप की घटनाओं से आहत, आइए आपको सुनाते हैं देश का दर्द। आखिर बलात्कार की घटनाओं पर देश की क्या मांग है? चाहे नाना हो, चाचा हो, मामा, कोई भी हो, जो बच्चे से बलात्कार करेगा उसे फांसी मिलनी ही चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि कोई और ये काम कर ना सके। चाहिए, हर घर की यही कहानी है कि देश में सुनाई नहीं होती है और मैं यही चाहती हूँ कि देश में सुनाई होनी चाहिए और बच्चियों के साथ बलात्कार बचना चाहिए। ये बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हर दिन एक कहानी सुनने को मिलती है। अभी कठुआ का चल रहा था तो कल एटा की खबर आई। किसी पे किसी बात का कोई डर ही नहीं है किसी व्यक्ति को भी आज की डेट में। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक दहशत बैठ जाए कि अगर हमने ये काम किया तो पता नहीं क्या होगा। ये चाहती हूँ कि जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें बहुत जल्द फांसी में देनी चाहिए। उसे कड़ी से सजा फांसी की देनी चाहिए और जल्द से जल्द, इतने बहुत देर नहीं करना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में बलात्कार की घटना हो तो दर्द और शोक की लहर पूरे देश में दौड़ती है। आज हाथों में मोमबत्ती लिए लोगों के दिलों में आक्रोश है और आंखों में इंतजार कि कब रेप जैसी घटनाओं में और भी सख्त कार्रवाई का कानून देखने को मिलेगा। रेप की घटनाओं को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है इसकी ताजा बानगी देखने को मिलती है जे एस नेओल के इस कैंडल मार्च में, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और कड़े कानून की मांग की। राजधानी दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन के साथ मनिका की रिपोर्ट।